झुंझुनू के अंबेडकर भवन में मेघवंशीय समाज चेतना संस्थान की ओर से अनुसूचित जाति सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली थे। इस मौके पर विभिन्न परीक्षाओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों के अलावा समाजोत्थान में विशिष्ट योगदान करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। स्वर्गीय बीएल चिरानिया की याद में आयोजित हुए कार्यक्रम में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने भाजपा व केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा आरोप लगाती है कि प्रदेश में दलित अत्याचार बढ़े हैं, जबकि असल में भाजपा के शासन में तो दलितों की सुनवाई नहीं होती थी। यूपी का उदाहरण सामने है। पीड़िता की FIR लिखने की बजाय पीड़िताओं के दाह संस्कार ही यूपी पुलिस कर देती है। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार वो ही करते हैं जो बीजेपी की मानसिकता वाले लोग होते हैं, लेकिन कांग्रेस राज में सुनवाई का अधिकार दिया है, इसलिए मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। बीजेपी के राज में मामले दर्ज नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न केवल आरक्षण बल्कि पूरे संविधान को ही खत्म करना चाहती है, लेकिन ये जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दलितों पे अत्याचार करने वाले लोग हैं वो सदा से ही बीजेपी की मानसिकता वाले लोग रहे हैं, और बीजेपी के समय में अत्याचार ज्यादा होते थे लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, वो कहीं रिपोर्ट नहीं करा सकते थे। आज गहलोत साहब ने एक सबको ये ऑप्शन दे दिया कि कोई भी अपनी FIR दर्ज करा सकता है, जिससे कि मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि उन लोगों को अपनी जो परिवेदना है वो प्रशासन तक पहुंचा पा रहे हैं। बीजेपी की जहां सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें जहां रही हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, परिवादियों को तो FIR दर्ज कराने की बात छोड़ दीजिए, पीड़िता का दाह संस्कार ही खुद ही पुलिस करा देती है। तो ये सारी चीजें अंतर देखना पड़ेगा। बीजेपी कुछ भी कह सकती है। देखिए, केंद्र सरकार आरक्षण को ही खत्म नहीं करना चाह रही, वो साथ के साथ संविधान को ही खत्म करना चाह रही है। जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको खत्म करना चाह रही है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, आज उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। चाहे CBI हो, ED हो या हमारे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। CBI के अधिकारियों का जो हाल है, आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से जो ऐसी संस्थाएं थी जो इस देश की रीढ़ की हड्डी थी, उनको कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। देखिए, जल्दी नियुक्तियां होंगी, काफी नियुक्तियां कोविड की वजह से भी अटकी हुई है, जल्दी नियुक्तियां होंगी। बाकी उनके पीड़ा बताने के लिए पूरी राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है।